कह रहा हूँ कि YouTube की हिस्ट्री में ये वीडियो Samsung A सीरीज M सीरीज पे खास तौर पे जो ड्यूल डे का रिबॉल करने से भी सेट चालू नहीं हो रहे हैं, लो बूटिंग सेट चालू नहीं हो रहे हैं, ये अभी दूसरे चैनलों पर भी आने वाला है कंटेंट, और ये दूसरे चैनल वाले भी अपने में डालेंगे क्योंकि अब यहाँ से तो सीख जाएंगे ना, यहाँ पे तो खोपड़ी चलेगी ना, अरे इनने तो डाल दिया हम भी डाल देते हैं। चलो ठीक है, एक्सो की लाइन नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में पावर आईसी के थ्रू जाती है मेन पावर, बट सैमसंग में वो जनरली नोज कट पॉइंट भी डैमेज है तो सर बनाएंगे कैसे। और भाई बोर्नियो में इसका नोज कट पॉइंट तो मिल जाएगा लेआउट पर, डायग्राम नहीं है, अब कैसे बनाओगे दुकान वालों। तो ये वीडियो इसी का सलूशन है। अगर आप यूएसबी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, बट अगर आप ये इसका बीपीएच बक कोयल है, बेसिकली चार्जिंग कोयल बोलते हैं इसको, बीपीएच का चार्जिंग कोयल है ये बक, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं और यहाँ पर आपका बीपीएच भी 7 तक जाकर रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर आपका बीपीएच भी बन रहा है, ये सेट हमारा चालू हो गया है जो हमारा लो बूटिंग पे था, जिसको आप कह सकते हैं 0.07 रिटर्न। और डायग्राम पढ़ना अगर इतना इजी होता कि आप घर बैठे पढ़ लेते और सीख लेते तो सल्यूट है ऐसी देश को कि हमारा देश आज अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर, और आज लोग अमेरिका से इंडिया आ रहे होते नौकरी करने के लिए, क्या बात है। बट ऐसा नहीं होता ना, सीखना पड़ता है, और फ्री में YouTube में हर जगह अगर कुछ मिल जाता तो आप ये जो इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं सारे बच्चे, ये कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, हम कोई धनिया तो बेचते नहीं है कि धनिया का वीडियो डालें, ये DIY मतलब कोई ऐसा जो सर्किट बना है या कोई मैन्युफैक्चरिंग जो हम हैं, हम अपने प्रोडक्ट का ही तो वीडियो बना के डालेंगे भाई। एसर टेलीकॉम इज़ व्हाट अबाउट, इज़ ऑल अबाउट रिपेयरिंग ट्रेनिंग, और जितना सटीक वीडियो हम डालते हैं हिंदुस्तान में कोई नहीं डालता, और डालता भी है तो हमको कॉपी करके डालता है। एक बच्चा एक इंस्टीट्यूट में जाने से पहले क्या जानना चाहता है, यही जानना चाहता है ना, इंस्टीट्यूट में बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, आउटपुट क्या है। ये तो इंस्टीट्यूट वाले जनरली एक दिन का, पहले दिन का, या बीच में 5वें दिन का, या 10वें दिन का, या आखिरी के, हमारा हर एक दिन का वीडियो सर्किट एक्स से लेकर सब कुछ पूरा बना के ड्राइंग करके सब बताया, वही सारी चीज़ें क्या करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट वाले कॉपी कर लेते हैं। सर हम इसलिए नहीं डाल रहे वीडियो, रीज़न समझिए आप। आप सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम बहुत बेस्ट सिखाएंगे, बिल्कुल, तो आप यहाँ आइए हम पर भरोसा कीजिए। भरोसा क्या है सर, घर से निकलते समय भी तो भरोसा रहता ना कि हम जिंदा बचकर वापस आ जाएंगे, वैसे ही इसे टेलीकॉम है, बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम है। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सिर्फ आईसीओ पे काम करने वाला टेक्नीशियन एक पंचर बनाने वाले जैसा होता है, जो आपके इलाके में सिर्फ फटे हुए पंचर को बना पा रहा है या टायर चेंज कर रहा है, बट वो टायर के अलावा अब उस अगर उसमें इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए या किसी भी प्रकार का मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे बनाएगा वो उसको नहीं पता। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं एंड्रॉयड भी सीख लूँगा अगले दिन, आईफोन भी सीख लूँगा, आज सर मुझे एंड्रॉयड का सीपीयू निकलवा दो अगले दिन आईफोन का, तो भाई मेरे हाथ और पैर दोनों जोड़ रहा हूँ मैं उनके लिए, उनका भगवान मालिक है। कौन मालिक है? भगवान। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? हेलो, हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। एसर टेलीकॉम की तरफ से मैं देवेंद्र अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं, और आई होप कि आपके माँ बाप ठीक हों, आप ठीक हों, आपका परिवार ठीक हो, और आप खूब उन्नति कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, सीख रहे हो, सिर्फ खाली बैठ के दिमाग नहीं लगा रहे हो, निगेटिविटी नहीं सोच रहे हो, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हो। अपनी लाइफ को इन्जॉय पता है कैसे करते हैं? अपनी लाइफ को इन्जॉय करते हैं कुछ नया सीख कर। अगर आप दूसरों को देखते रहोगे ज़िंदगी भर तो कैसे सीखोगे? आपको अपने आप को देखना पड़ेगा। हाँ, आप अपने
जिनके जैसे बनना है उनको ज़रूर देखिए। सो दोस्तों, ये वीडियो एक डुअल डेकर के बारे में है। सैमसंग के जो अधिकतर फ़ोन आ रहे हैं मार्केट में, ये एक M30S है। आपके पास A50 आ सकता है, M30 आ, A सीरीज़, M सीरीज़, और अगर आपके पास सेट आए लोगों पर, देखिए ये सेट एक टेक्नीशियन के पास यहाँ लोगों के लिए गया था, उसने डुअल डेकर भी रिबॉल किया, फिर भी नहीं चालू हुआ। क्यों? मतलब आप सोचिए कि सेट डुअल डेकर के लोगों के लिए जाते हैं, रीस्टार्ट जाते हैं, डेड जाते हैं, लो बूटिंग जाते हैं। आजकल तो ये सारे इंस्टीट्यूट वाले थोड़े बहुत तो ये सब कुछ समझ ही गए हैं, तो इतना सब कुछ तो समझा ही देते हैं, पर क्या होता है डीप लेवल, क्या होता है एक एक्सपीरियंस, क्या होता है। अब क्योंकि मैंने ये वीडियो डाला है दोस्तों, तो ये वीडियो दूसरे इंस्टीट्यूट के चैनल पे भी आने वाला बहुत जल्द। कॉपी जो होता है ना, कॉपी कैट जो हम करेंगे वो दूसरा ज़रूर करेंगे, ये आप ध्यान रखना और चैनल पे भी देखते रहना। हमारे वीडियो का आज टाइमिंग देख लो, आज हमारा कंटेंट देख लो, यही सब कुछ दूसरे चैनल पे भी बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि ये अभी तक यूट्यूब की हिस्ट्री में है, ऐसा वीडियो नहीं है। मैं पहला कह रहा हूँ कि यूट्यूब की हिस्ट्री में ये वीडियो सैमसंग ए सीरीज़ एम सीरीज़ पर ख़ास तौर पर, जो डुअल डेकर रिबॉल करने से भी सेट चालू नहीं हो रहे, लो बूटिंग सेट चालू नहीं हो रहे हैं, ये अभी दूसरे चैनलों पर भी आने वाला है कंटेंट, और ये दूसरे चैनल वाले भी अपने में डालेंगे, क्योंकि अब यहाँ से तो सीख जाएंगे ना, यहाँ पे तो खोपड़ी चलेगी ना, अरे इनने तो डाल दिया हम भी डाल देते हैं। चलो ठीक है, हम बात करेंगे एयरटेल टेलीकॉम के सब्सक्राइबर्स की, कि भाई आप ये वीडियो हम अपने सब्सक्राइबर के लिए डाल रहे हैं, पर ख़ास तौर पर उन सब्सक्राइबर जो सीखना चाहते हैं, जिनमें एक इंस्टीट्यूट जाने की या उनका बैठकर सीखने की क्षमता है, जो एक प्रोसेस से सीखना चाहते हैं, जो डायरेक्ट यूट्यूब देखकर जीवन चलाने वाले लोगों के लिए तो इससे टेलीकॉम कभी नहीं है, बधाई रखना। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, हो सकता है आप बजट बना रहे हो, अपनी फ़ीस और टूल के पैसे तैयार कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी बात है, बट आप अगर आपके पास में सब बजट होने के बाद भी आपको लगता है कि सारे इंस्टीट्यूट फेक है, सब दुकान वाले ही बहुत अच्छे हैं, तो ग्रेट हैं आप जैसे लोग, और तभी आप कहीं नहीं हो इस दुनिया में, ना आपने मार्केट में नाम है, ना कहीं नाम है। खैर, दूसरी बात और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जिनको लगता है कि ये चैनल उनके लिए सही नहीं है, जो सब्सक्राइब करके बैठे हैं, जिनको डेली सॉल्यूशंस चाहिए, हर एक फ़ोन का सर ये समझा दो, वो समझा दो, ये समझा दो, हमको तो सब आप समझा दो, तो भैया अनसब्सक्राइब कर दो, ये चैनल आपके लिए नहीं है। ये चैनल बहुत लर्निंग और डीप लेवल और एक एक्सपीरियंस चैनल है, हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सिर्फ हम भूलने की बात नहीं है। मार्केट में मेरा काम डला हुआ है यूट्यूब पर, मार्केट में काम डला हुआ हमारा फेसबुक पे, आप जाके देखिए और देखने के बाद बताइए कि कौन कितना कब कैसा पुराना है। काफ़ी हम टूल की इंडस्ट्री में नहीं है, टूल की इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग ऑलरेडी बहुत पुराने हैं, वो मानता हूँ मैं, बट हम ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हैं। एंड्रॉयड में जब आई ओप्पो वीवो नहीं आया था तब भी हम पढ़ाते थे, और जब ओप्पो वीवो आया तब भी हम पढ़ा रहे हैं, जब बोर्नियो नहीं आया था तब भी हम पढ़ाते थे, अब जब बोर्नियो आया तब भी हम पढ़ाते हैं। और हमने दोस्तों बोर्नियो की गलतियां नहीं बताई, हमने नहीं बताया बोर्नियो गलत है, लोई मत। अरे बोर्नियो तो बहुत जरूरी है यार, हर एक को लेना चाहिए, क्योंकि बोर्नियो एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि आप जल्दी काम कर सकते हैं, बट आप बोर्नियो पर डिपेंड मत होइए। आप बोर्नियो को लीजिए, उसके सॉल्यूशंस के लिए मत लीजिए, आप सॉल्यूशंस के लिए भी लो, मैं ये कहता हूँ। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि वो जो USB की लाइन दिखा रहा है, वीबस की लाइन दिखा रहा है वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। हो सकता है कि वो वीबस की लाइन जो कहीं जा रही है वो कहीं और भी जा सकती है, जो उसको आधा अधूरा दिखा रहा है, बट आप उसके हार्डवेयर सॉल्यूशन पे 100% आप निर्भर होकर काम मत करो, आपको सप्लाई का नॉलेज होगा। और डायग्राम पढ़ना अगर इतना ईजी होता कि आप घर बैठे पढ़ लेते और सीख लेते, सो सल्यूट है ऐसी देश को कि हमारा देश आज अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर, और आज लोग अमेरिका से इंडिया आ रहे होते नौकरी करने के लिए, क्या बात है, बट ऐसा नहीं होता ना, सीखना पड़ता है। और फ्री में यूट्यूब में हर जगह अगर कुछ मिल जाता तो आप ये जो इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं सारे बच्चे, ये कोई बेवकूफ़ तो है नहीं जो आपको इंस्टीट्यूट में दिख रहे हैं, और वही अच्छा काम कर रहे हैं वही जाकर, बट हर एक की तो बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन कैसा पढ़ाता है, किस में क्या क्षमता है, कौन कहाँ से किसको कितना नॉलेज है, किसको कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने में भी, क्योंकि हो सकता है कि 4 दिन पहले वो खुद सीख रहा हो और 5वें दिन वो पढ़ा रहा हो। तो खैर ये सब बातें हम नहीं करेंगे, बट हम करेंगे दोस्तों एक जेन्युइन बात कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो और भी जगह आने वाला है, तो ये वीडियो ध्यान से देख लो। ये वीडियो है लो बूटिंग, लो बूटिंग भी कैसा बूटिंग, इसका बूटिंग DC का मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ का पतरा उतरा है, यहाँ पर काम हुआ है, और अगर मैं पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर डुअल डेकर इसका रिबॉल हुआ है। मैं आपको सब माइक्रोस्कोप से दिखाता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ
कि अगर मैं पावर की दवा हूँ, पावर की पे वोल्टेज भी दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने, आप देखिए ये मैंने लगाया, ये मेरे दोनों कनेक्टर लगे हुए हैं। अब मैंने ये पावर की का बटन दबाया, देखिए अब मैं पावर की का बटन दबा रहा हूँ यहाँ पर, तो फ़ोन में कोई भी हलचल नहीं है। फ़ोन ये देखिए पूरा इसको दबाकर, पावर की का बटन है तो पीछे का की का कोई मतलब नहीं है, टच हो या हो। ये देखिए फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। चलिए अब सेकेंड नंबर से चेक करते हैं USB। तो आप नोटिस कीजिएगा ये मेरी सप्लाई और ये मैंने फ़ोन में कनेक्ट की, ये देखिए। और अगर आप USB में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। बट अगर आप DC में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 वोल्ट इनपुट भी हो रहा है, ठीक है। ये देखिए अब आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। ये देखिए ये इसकी चार्जिंग IC है, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट इनपुट हो रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये इसका BPH बक कोयल है, बेसिकली चार्जिंग कोयल बोलते हैं इसको, BPH का चार्जिंग कोयल है ये बक, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं और यहाँ पर आपका BPH भी बन रहा है। तो ये तो सक्सेस आपका सही है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसकी DC की रीडिंग लेते हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में। देखिए आई होप के आपको DC की रीडिंग दिखाई दे रही हो। अब इस फोन में मैं कनेक्टर लगाता हूँ, देखिए तो फोन में कोई शॉर्टिंग है नहीं कनेक्टर लगाने के बाद। अब मैं पावर की दबाऊंगा, ये देखिए तो ये 6-7 तक जाकर वापस आ रही है। अब इसको थोड़ा जूम में देखिए, ये देखिए अब आप DC की मशीन की रीडिंग देखिए, 7 तक जाकर रिटर्न, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या है आइए बताता हूँ। टेक्नीशियन सबसे पहले क्या करता है, किसी भी फोन को डायग्नोस कभी नहीं करता, वो डायरेक्ट सोल्यूशन, ये दुकानदार वाले करते हैं, मत करो, डायरेक्ट सोल्यूशन डुअल देकर। ये देखिए तो अगर मैं बात करूँ इस फोन पे, ये मेरे को एक दुकान से ही आया है कि सर डुअल देकर तो बनाया बट सर हुआ नहीं। ये देखिए आप नोटिस कीजिए, ये देखिए सो डुअल डेकर, ये देखिए तो ये जो डुअल डेकर है ये ऑलरेडी रिवॉल्व दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। तो टेक्नीशियन बोलता है सर मैंने ना डुअल डेकर तो सीख लिया किसी इंस्टीट्यूट में जाकर और चालू भी कर लिया हैंडसेट, पर अभी सर डेड फोन चालू नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे यार, क्यों उन्होंने आपको ये सर्किट नहीं सिखाया। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर जो मैं सर्किट आपको बता रहा हूँ अगर वो आपके इंस्टीट्यूट में या आपको सिखाया नहीं गया है तो उनसे डिमांड कीजिए, सर सिखाइए, अपडेट में सिखाइए, बाद में सिखाइए ज़रूर। तो आइए इस सर्किट के बारे में देखते हैं। तो प्रॉपर डायग्नोस करने पर दोस्तों डुअल डेकर में तो कोई मसला नहीं है, ना ही इसके UFS में कोई मसला है, क्योंकि रीडिंग कई लोग बोल रहे होंगे सर UFS की रीडिंग है, बट UFS की रीडिंग नहीं है, मतलब देखा जाए तो सॉफ्टवेयर की रीडिंग नहीं है। ये देखिए जनरली क्या होता है, पत्रा उतारते समय कई बार कुछ ICs आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये IC ब्रेक है। अब जिस भी टेक्नीशियन ने मुझे ये दिया उसने मुझे बता के दिया सर ये पत्रा उतारते समय हो सकता है IC ब्रेक हो गई हो,
तो ये आईसी ब्रेक है, बट ये आईसी ब्रेक पत्रा उतारने के बाद हुई है या जो भी है, उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कोयल लगा हुआ है और ये जल गया है। अब भाई मेरे एक कोयल है, कैपेसिटर नहीं है, इसकी आप चेक कर सकते हैं। ये कोयल लगा, ब्लैक कोयल बोलते हैं इसको, और ये आपका जल गया है। और यहाँ पर बेसिकली एक BPH की वोल्टेज आना चाहिए था, BBAT भी आता है, BPH आता है, कोडिंग के हिसाब से होता है। और ये जो IC है दोस्तों, ये IC टूटी है। अब मेरे भाई उस टेक्नीशियन ने जिसने मुझे दिया है, वो कह रहा है कि सर हमको तो इस IC का नॉलेज ही नहीं है, तो मनाएं क्या, क्योंकि नोज कट पॉइंट भी नहीं दिख रहा। आप नोटिस करें यहाँ पर, ये देखिए, आप नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा IC डैमेज दिखाई दे रहा है, नोज कट पॉइंट भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब नोज कट पॉइंट भी डैमेज है तो सर बनाएंगे कैसे? और भाई बोर्नियो में इसका नोज कट पॉइंट तो मिल जाएगा लेआउट पर, डायग्राम नहीं है, अब कैसे बनाओगे दुकान वालों? तो ये वीडियो इसी का सलूशन है। मैं आपसे लाइक नहीं मांग रहा हूँ, मैंने बहुत ही रेयर होता है जब मैं आपसे लाइक मांगता हूँ, पर मैं नहीं मांग रहा हूँ, नहीं मैं आपसे व्यू मांग रहा हूँ। मुझे 200-400 व्यू में खुश हूँ मैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि मुझे यूट्यूब की मनी से पैसा कमाना है। मैं तो चाहता हूँ कि जितने नए लोगों तक पहुँच सकूँ उतना पहुँचूँगा, और जिनको डेली सोल्यूशन चाहिए मैं उनके लिए भी नहीं हूँ, मैं तो उनके लिए हूँ जो नए लोग हैं, जो ये जान पाएँ कि Acer टेलीकॉम है क्या, करता है क्या है। हम भैया लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट के वीडियो डालते, अरे भाई Acer टेलीकॉम है क्या, हम कोई धनिया तो बेचते नहीं है कि धनिया का वीडियो डालें, ये DIY मतलब कोई ऐसा जो सर्किट बनाए या कोई मैन्युफैक्चरिंग, जो हम हैं हम अपने प्रोडक्ट के ही तो वीडियो बना के डालेंगे। भाई Acer टेलीकॉम इज़ व्हाट अबाउट, इज़ ऑल अबाउट रिपेयरिंग ट्रेनिंग, और जितना सटीक वीडियो हम डालते हैं हिंदुस्तान में कोई नहीं डालता, और डालता भी है तो हमको कॉपी करके डालता है। एक बच्चा एक इंस्टीट्यूट में जाने से पहले क्या जानना चाहता है? यही जानना चाहता है ना, इंस्टीट्यूट में बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, आउटपुट क्या है। ये तो इंस्टीट्यूट वाले जनरली एक दिन का, पहले दिन का, या बीच में पांचवें दिन का, या दसवें दिन का, या आखिरी के, हमारा हर एक दिन का वीडियो हर देखिए जाके, वही बच्चे का पहले दिन का भी देखिए, दूसरे दिन का भी देखिए, तीसरे दिन का, चौथे दिन का। सर हम 24 घंटे काम करने वालों में से, हमने कोई वीडियो के लिए पर्सनल बंदा भी नहीं रखा, ये सब कुछ एडिट मैं ही करता हूँ, ये सब कुछ एडिट मैं करता हूँ, पूरा मीडिया Acer टेलीकॉम का मैं संभालता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि 10 बच्चे यहाँ पर बंदे लगे हुए हैं जो एडिटिंग कर रहे हैं और हम मस्त हो रहे हैं अपने काम के आने के बाद, साहब बन गए। तो बट हम तब भी आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कल का बच्चे ने जो ग्राफिक्स सीखा, आज उसने लाइट बनाया कि नहीं बनाया, सर्किट जाना कि नहीं जाना। तो ये हम अपने आपको प्रोमो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करें? हमारा चैनल है, हमने ये चैनल में सोल्यूशन डालें ये बताने के लिए कि कितना नॉलेज है इसे टेलीकॉम के लोगों को। अगर आप सोचेंगे कि हम दुकानदार जैसे बस बैठ जाएं और यूट्यूब से पैसा कमाना चाहें ना हम, तो इतने सोल्यूशन डाल देंगे, इतने डाल देंगे। और मैं बता रहा हूँ वो सोल्यूशन देखने के बाद भी तुम्हें परफेक्ट टीचर, तो इतने सोल्यूशन देखने के बाद भी तुम्हें परफेक्ट टेक्नीशियन नहीं बन पाओगे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी वही होता है जिन्होंने KG 1 भी पढ़ी है, जिन्होंने 9-10 भी निकाली है, और जिन्होंने 11-12 पास की है, और उसके बाद फिर उन्हें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद ही, जिन्होंने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद ही वो इंसान पढ़ा लिखा माना जाता है। क्या मैं इस फील्ड में, तो ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मैं ये मानता हूँ। मैं अपने बारे में, तो आपको मेरे बारे में तो आके पता चल जाएगा कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे टीचर सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दीपक सर की बात करूँ, मिलन सर की बात करूँ, MD सर की बात करूँ, इवन फातिमा मैडम इज़ ऑल्सो ग्रेजुएट। सो ये सारी चीज़ें टेक्निकली, हम तो सो मच टेक्निकल, बट ठीक है छोड़ो। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर लर्निंग बेसिक से नहीं करेंगे, आप अगर सिर्फ कैपेसिटर को समझ लेंगे यूट्यूब में, तो आपको क्या लगता है आपको नॉलेज मिल गया? नहीं, जो वीडियो में कैपेसिटर दिखाया जा रहा है, कैपेसिटर से कहीं 100 गुना अधिक है जो आपको रिपेयरिंग में काम आएगा। कोई दुकानदार अपना CPU निकाल के नीचे जंपर करके आपको अच्छे वीडियो तो दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है, देखो ग्राफिक्स बनाया, देखो वन सब तरह के सेट बनाए, फिर वो आपको एक टाइम दे रहा है दोस्तों मेरे पास पर्सनल आ जाओ मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो पहले दुकानदार ने डेली के 4 मोबाइल बना रहे हैं, अब वो आपको सिखा भी रहा है, अब उसको मोबाइल भी बनाना है डेली के, वो ग्राहकी भी करनी है, आपको पढ़ाना भी है, तो कितना नॉलेज। फिर आपको अपडेट भी देना है, फिर आपका फ़ोन भी उठाना है, एक अकेला बंदा
आपको क्या लगता है पॉसिबल हो पाएगा? अगर ऐसा होता तो मैं अपने घर पे बैठ के IIT खोल लेता, मैं यहाँ IIT के बच्चों को पढ़ाता, ये मोबाइल रिपेयरिंग के बच्चों को क्यों पढ़ाता? IIT कानपुर में जाने वाले जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जो इंजीनियरिंग करने के बाद जो IPS IAS की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बैठ के घर पे पढ़ाता अगर एक सिंगल व्यक्ति सब पढ़ा सकता तो ये थोड़ा दिमाग में रखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट ये डालने के बहुत ज़रूरी है, लोगों के दिमाग खुलना। भाई वीडियो नीचे कमेंट करना बहुत आसान है, सर आपने तो ये वीडियो का सोल्यूशन ही डाला, सर आप तो अपने से प्रोमो दिखाते हो, आप तो ये करते हो। भाई हमारा यही काम है, हम ट्रेनिंग है। अगर आप अपनी दुकान के बारे में 4 ऐड नहीं लगाओगे बेटा कोई नहीं आने वाला। नाम फेमस तो भाई दुकान के नाम से ही होगा, जब 4 काम करोगे तो ही तो फेमस होगे ना। तो ये बात समझो यार दोस्तों, प्लीज़ मुझे बताओ ये बात आपको कैसी लगी, कमेंट्स पे सही है कि गलत है, मैं कितना सही हूँ आपके लिए कितना गलत हूँ, कितना मैंने लाइफ में मोटिवेशनल वीडियो बनाया आपके लिए। मैंने 500 के ऊपर वीडियो बनाया है भाई मोटिवेशनल, रिपेयरिंग मेरी 1000 वीडियो के ऊपर है। मेरा दूसरा चैनल है देवेंद्र अग्रवाल, कितने ही वीडियो बना चुका हूँ आईफोन पे एंड्रॉयड पे, हर तरह का आपको समझाया, आईफोन के सर्किट एक्स से लेकर सब कुछ पूरा बना के ड्राइंग करके सब बताया। वही सारी चीज़ें क्या करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट वाले कॉपी कर लेते हैं। सर हम इसलिए नहीं डाल रहे वीडियो, रीज़न समझिए। आप सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम बहुत बेस्ट सिखाएंगे, बिल्कुल, तो आप यहाँ आइए हम पर भरोसा कीजिए। भरोसा क्या है सर, घर से निकलते समय भी तो भरोसा रहता ना कि हम जिंदा बचकर वापस आ जाएंगे, वैसे ही इसे टेलीकॉम है, बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम है, हम कोई नए बच्चे नहीं है, हम कोई किसी ब्रांड से निकल कर बाहर आकर अपना ब्रांड नहीं बना रहे। हम एक पहले इंडिया के ब्रांड हैं जिसने मोबाइल ट्रेनिंग का एक फ्यूचर बदला है दोस्तों। सो आइए चलो देखते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों इस सर्टिफिकेट को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ पहले। तो ये डायग्राम क्या है, तो ये जो IC है ये बेसिकली क्लॉक पल्स जनरेट करती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो VCO होता है, जो VCC लेने के बाद आउटपुट निकालता है, जिसको हम बोलते हैं एम क्लॉक, मास्टर क्लॉक, जो ये हमारा क्लॉक पल्स है। और ये क्लॉक पल्स किसको ज़रूरत होती है, वही ICU को ना, जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है, जिनको फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जो नीडी है, बिना फ्रिक्वेंसी के इनपुट के XO, जैसे आप बोलते हैं ना WTR XO हो गया भाई, पहले तो किसी को नहीं पता था, अब तो XO सब हर कोई दुकान वाला तीसरा XO करता है। तो वही XO की लाइन नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में पावर IC के थ्रू जाती है, मेन पावर। बट सैमसंग में वो जनरली तो इस तरह का आठ बॉल का एक IC लगा होता है, जो A1 से D1 तक होता है, और जिसके अंदर आपका D1 ग्राउंड होता है, D1 ग्राउंड होता है, D2 NC होता है, C2 ग्राउंड होता है, बाकी सारा, और एक B1 रेफरेंस पॉइंट होता है, कैपेसिटर फॉर फिल्ट्रेशन दिस IC। बट ओवरऑल इस IC, अगर ये IC नहीं है ना, तो आपके क्या क्या काम नहीं होने वाले फ़ोन में। आप देख सकते हैं आपका AP जो आपके CPU को क्लॉक पल्स जा रहा है वो नहीं जाएगा, आपके Wi-Fi ब्लूटूथ को क्लॉक पल्स नहीं जाएंगे, और आपके पावर IC PM को क्लॉक पल्स नहीं जाएंगे बेसिकली, और आपका मेन क्लॉक पल्स जो क्या कि आपकी RF IC, इसमें 26 MHz के क्लॉक पल्स होते हैं बेसिकली। सैमसंग एक यूनिवर्सल है दोस्तों, कॉलकम लगाएगा तो 19.2 MHz लगा देगा। आप देखो कि सबसे पहले सर्किट में क्या है, जो कि कॉइल जो जला था, मैं वो आपको बता देता हूँ कि कॉइल के कहाँ लगा था, कॉइल लगा था यहाँ इनपुट की लाइन में। ये आप लोग बोलेंगे कि सर कॉइल को तो L से लिखते, आपने तो B में लिखा, आप तो गलत लिख रहे हो। अरे भाई गलत तुम्हारा नॉलेज है, हम गलत नहीं है। तो यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है और यहाँ से सप्लाई 4 वोल्टेज जा रही है, इस कॉइल से जल जाने की वजह से यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं जाने की वजह से ये लो बूट पर जा सकता है, जाता ही है, क्योंकि जब तक इस IC को इनपुट नहीं मिलेगा ये आपका IC आउटपुट नहीं बनाएगा। बट इसको एक 1.8 वोल्टेज तो इसको एक EN सिग्नल भी आते हैं, जो कि PM से आते हैं EN, और वो आने के बाद ये आउटपुट निकालता है A2 से, क्लॉक आउट बोलते हैं जिसको, जो हमारा PM, WL, BT, Wi-Fi और CPU के अंदर जाता है। बेसिकली कुछ भी नहीं है यहाँ IC, आप इसकी फ़ोटो खींच लो भाई इंस्टीट्यूट वाले, बना लो। और यही जो मेगा क्लॉक है ये जाते हैं आपके RF IC के अंदर। और अब कोई भाई इसको और डिटेल में समझा देगा और डीप मोड पे समझा देगा, सो बोलेगा देखो इससे टेलीकॉम से ज़्यादा बेस्ट मैं हूँ, तो भाई मैं इसको इतना डिटेल में समझा सकता हूँ, इतना कोडिंग के साथ समझा सकता हूँ कि आप सोच नहीं सकते हैं। बट ये एक
मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आप रियल में आइए और रियल में दूंगा, जितना वीडियो में है। मैं वीडियो में इसलिए बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे नहीं ले जाऊँगा, ठीक है ना। बाकी मैं इसको और डीप में समझा सकता हूँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि किसी मेरे बात किसी और ने वीडियो डाला और उसने समझाया, बट फिर भी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये इनपुट, ये आपके EN, ये ग्राउंड, ये आपका एम क्लॉक इन होता है। बेसिकली यहाँ पे एम क्लॉक ना इन हो रहा है, ये आ रहा है, और ये आपका ऑक्सीलेटर IC है। इस आउटपुट इज कॉल्ड मेन क्लॉक पल्स लाइन। जब ये मिलता है तो EN के साथ में ये आउटपुट बनाता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ यहाँ जाता है। तो चलिए इस IC को हम देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट निकलता है। मैं बात करूँगा, मुझे ये जो कॉइल है, इस कॉइल को हटाकर मुझे जम्पर में मारना पड़ेगा, तो कॉइल लगाना पड़ेगा क्योंकि सड़ गया है, मतलब सड़ क्या गया है, सॉरी ये ना जल गया है। तो ये कॉइल, सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूँगा, कॉइल ये जल गया है तो उसको हटा के चेंज करना पड़ेगा, और ये IC टूट गया है पत्रा निकालते समय, तो इस IC को चेंज करेंगे। और इसका नोज कट पॉइंट बिना सर्किट डायग्राम के हम बहुत ईजिली बता सकते हैं, और ये सिर्फ आपको भी आना चाहिए। और दोस्तों मैंने कमेंट्स के वीडियो डाले हुए हैं और बहुत सारे सोल्यूशंस के जवाब भी दिए हैं, और बहुत कुछ आपको मिलेगा नया। आप देखते रहिए चैनल ऐसे टेलीकॉम, एक देवतन अग्रवाल चैनल है मेरा, वहाँ पर जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ में आया तो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक एक्सपर्ट एक एक्सपीरियंस से। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको निकाल देंगे। मैं SMD जो यूज़ कर रहा हूँ वो 861 और 857 यहाँ पर।
ये सेट हमारा चालू हो गया है, जो हमारा लो बूटिंग पे था, जिसको आप कह सकते हैं 0.07 रिटर्न। ये देखिए सेकेंड लोगो, एसर टेलीकॉम के बैनर के तले। ये देखिए तो हमारा सेट ऑन हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आप वीडियो में लंबा बातचीत की है, उसके लिए ज़रूर मैंने आपका समय लिया है, पर मुझे लगता होगा आपने स्किप कर दी होगी। खैर कोई बात नहीं, सुनने वाले ने ज़रूर सुना होगा, और जिन्होंने सुना होगा मुझे बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, सोल्यूशन देख लिया आपका फ़ोन में। ये फ़ोन एक टेक्नीशियन से आया है, कह रहे थे ड्यूल डेकल, मैंने ड्यूल डेकल लगा दिया पर चालू नहीं हुआ अभी, क्या बना अब कैसा क्या है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ आईसीओ पे काम करने वाला टेक्नीशियन एक पंचर बनाने वाले जैसा होता है, जो आपके इलाके में सिर्फ फटे हुए पंचर को बना पा रहा है या टायर चेंज कर रहा है, बट वो टायर के अलावा अब उस अगर उसमें इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए या किसी भी प्रकार का मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे बनाएगा वो उसको नहीं पता है। तो क्या बनना चाहते हो? फ़ोन चालू करके आप सिर्फ इंस्टीट्यूट से जाना चाहते हो, या सर्किट पे एक ऐसे टेक्नीशियन एक ऐसे टीचर से सीखना चाहते हो जिन्होंने काफ़ी लोगों को सिखाया इंडिया में, या जिनको अच्छा नॉलेज है, या जो लायक हैं आपको सिखाने के लिए? तो मुझे लगता है कि या जिनको नॉलेज है या आपको लगता है कि हाँ इसे टेलीकॉम के मैं आ सकता हूँ अपना फ्यूचर बनाने के लिए। दोस्तों रही बात बैकअप सपोर्ट की, तो यार हमारा बैकअप सपोर्ट के इतने वीडियो डाले हैं, जाके देखिए अभी बहुत सारे वीडियो मुझे डालने हैं। बैकअप सपोर्ट हम महीने में 2 बार देते हैं यार, और ये हमारी डेट फिक्स है, और क्या डेट है ये मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों कॉपी कैट मैंने बोला ना, तो हमारे ग्रुप में बैकअप सपोर्ट के आप देख सकते हैं इस तरह के मैसेज हम हर महीने में 5 बार डालते हैं, और हम किसी को भी मना नहीं करते हैं कि आप आइए प्रोटोकॉल के हिसाब से। एजर टेलीकॉम डिसिप्लिन पे चलता है, जो हमारे प्रोटोकॉल फिक्स हैं उसी के हिसाब से हम बैकअप सपोर्ट पे देते हैं, और मुझे लगता है जितने दिन हम दे रहे हैं इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता, और बैकअप सपोर्ट में ज़रूरत भी उतनी दिनों की होती है, क्योंकि आपको शुरू से रजिस्टर कैपेसिटर नहीं समझना, वहाँ आपको समझना है कि सर ये आईसी का क्या इंपॉर्टेंस है, या मैं यहाँ फंस रहा हूँ मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ जो डाउट है वो क्लियर। सो डाउट क्लियर क्लास बोलते हैं इसको। हमारे स्टूडेंट आते हैं जिनको दिक्कत होती है ड्यूल डेकर में, वो ड्यूल डेकर करते हैं, जिनको दिक्कत होती है किसी भी सेगमेंट में तो हम वो सेट लेकर आते हैं और अपनी प्रॉब्लम को, जो अपनी सोल्यूशन प्रॉब्लम है उसको हल करते हैं। हमारे आपके बहुत सारे वीडियो डले हुए, जाके देखिए फेसबुक पे लाइव देखिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, एसर टेलीकॉम को देखने के लिए। सब्सक्राइब करना ना करना आप पर है, सब्सक्राइब करना ना करना आप पर है, और आप एक दुकान वाले को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जो डेली के बैटरी कनेक्टर या आईसी निकाल के लगा के आपको सोल्यूशन दे रहा हो, या भी एक ऐसे को कर सकते हैं जो आपको ज़िंदगी की इंपॉर्टेंस या गाइडेंस आपको समझा रहा हो, और जिसको नॉलेज हो, जो आपको प्रोफेशनल देखना चाहता हो, जो आपको सेट देखना चाहते हो, जो आपको ये नहीं चाहता आप क्या बनना चाहते हो। देखो एक छोटी सी बात और कह के जाऊँगा, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? सहवागकर, सो आप महेंद्र सिंह धोनी बनना चाहते हो या वीरू जो सहवागकर था ना, वीरेंद्र सिंह वो बनना चाहते हो? कितनी पारियां खेली हैं दोनों ने, अगर देखा जाए तो उनका दोनों का क्या कैरियर है। आप सिर्फ 2-4 बॉल पे छक्के मार के आउट होना चाहते हो, या आप एक लंबी पारी खेलना चाहते हो, या आप सचिन जैसे आप अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हो? तो भाई वो जल्दबाजी में नहीं बनता, 3-4 बॉल पे छक्के मारने से आप प्लेयर नहीं बन जाते, टीम से बाहर हो जाओगे जैसे वो हो गए थे। इंडिया की टीम, एक प्लेयर बनता है अपनी टीम के मैनेजमेंट पे, एक प्लेयर बनता है कब क्या खेलना है उस स्किल पे, वो स्किल एकदम से नहीं मिलने वाली, प्रैक्टिस मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं किस इंस्टीट्यूट जाकर अगले दिन मैं लाखों करोड़ों का काम चालू कर दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं एंड्रॉयड भी सीख लूँगा अगले दिन, आईफोन भी सीख लूँगा, आज सर मुझे एंड्रॉयड का सीपीयू निकलवा दो अगले दिन आईफोन का, तो भाई मेरे हाथ और पैर दोनों जोड़ रहा हूँ मैं उनके लिए, उनका भगवान मालिक है। कौन मालिक है? भगवान। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। लाइफ को बनाना है तो स्टेप टू स्टेप चलिए, डायरेक्ट चलेंगे तो कूद के खुद ही पैर फिसल के नीचे गिरेगा, और हर एक को गाली बकेंगे, और हर एक आपको हर एक आदमी
आपको ऐसा लगेगा जिसने आपकी सारी इज्जत लूट ली हो। ऐसा फील आपको होगा। ऐसा लगेगा कि सर मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, सर ये लोग तो बहुत बुरा करते हैं। होता ना यार, हम कहीं से कुछ सामान खरीद लेते हैं और वो सामान ख़राब हो जाता है, हमें लगता है अरे यार सारे सामान बेचने वाले बेकार है, अरे पूरी दिल्ली बेकार है, एक दिल्ली में एक कोई ठग मिल जाता है अरे पूरी दिल्ली लूटती है, दिल्ली में हर कोई आदमी लूटता है। ऐसा नहीं है दोस्त, कुछ लोग ऐसे भी हैं दिल्ली में बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छा नाम है इस फील्ड में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल्ली में भी होने का बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट ये हमारी माइंड का माइंडसेट बन जाता है कि दूसरे की सोच आप पर हावी हो जाती है। तो आप कौन हैं? क्या दूसरों की सोच आप पर हावी होने वाली है? चलो देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।